हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स विद बनी बैक टेक न्यू वीडियो। ओके सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो भिंगराज हेयर ऑयल का। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 200 ml का पैक है और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, इसका प्राइस है 265 रुपीस। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख के लेना। गाइस अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, जो 200 ml का प्राइस ऑलमोस्ट 265 रुपीस है, तो लगता है थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि 200 या 120 ml इस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट आती है तो वो बहुत ही लो प्राइस में आती है। लेकिन गाइस इसका प्राइस देख के आपको कुछ ऐसा मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव, क्योंकि इसका काम भी कुछ ऐसा है जो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। सो गाइस प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी डिटेल्स मिस ना करना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। हम रोजाना इसी तरह प्रोडक्ट के रिव्यू लाते रहते हैं, खुद यूज करके खुद ट्राई करके आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गाइस सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है वो इंग्रेडिएंट्स। अगर आप देखें तो इंग्रेडिएंट्स की बात साइड में, डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है और डर्मोलॉजिस्ट भी हेयर फॉल प्रॉब्लम के लिए इसे सजेस्ट करते हैं गाइस। और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो के इंटरेस्टिंग या कुछ हाइट क्रिएट ना रहे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मैं खुद यूज कर रहा हूँ और खुद अभी भी यूज कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैं खाली कर रहा हूँ, आधा ऑलमोस्ट खाली हो चुका है ये प्रोडक्ट मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मेरा टीम ने टेस्टिंग नहीं किया या मैंने किसी को टेस्टिंग के लिए नहीं दिया, किसी को भी, मैं खुद यूज किया इस प्रोडक्ट को। लेकिन इसका कुछ अच्छा पॉइंट है, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है और इस प्रोडक्ट का काफी सारा दावा है कि यार हेयर फॉलिंग को स्टॉप करता है और हेयर को ग्रोथ करने में थेरेपेटिक ट्रीटमेंट माना जाता है, ऑयल के साथ आती है। काफी सारा ऐसा चीजें है जो हेयर ट्रीटमेंट मेंशनेड है, कितना सच है कितना झूठ है वही मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो बात है हेयर का टेक्सचर, क्योंकि आपका हेयर का टेक्सचर कैसा है, थिन है, ठीक है, वो बाद में है, लेकिन आपका स्कैल्प कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं साइड में रखता हूँ। और दूसरी टॉपिक पे बात करता हूँ, वो है आपका हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, क्या सच में स्टॉप कर पाता है हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम, और इसका जो ऑयल क्वांटिटी है वो कैसा है। तो मैं ऑयल क्वांटिटी की बात करूँ गाइज, ये नॉन स्टिकी नहीं है, मतलब ये आप हेयर पे अप्लाई करोगे तो चिपचिपा हो जाएगा और ये बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोगों को ऐसे गलतफहमी है इस प्रोडक्ट के साथ, जो मैं पर्सनली यूज करके देखा था और उन लोगों को गलतफहमी में रिसर्च किया था कि लोग इसे जब अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हेयर निकल रहे हैं, जब अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद नहीं गाइस, जब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्वांटिटी है बहुत ही चिपचिपापन है। इससे क्या होता है कि जो मतलब हेयर डैमेज है, ऑलमोस्ट डैमेज है, या दो तीन दिन या वन वीक में जो हेयर निकलने वाला है, अगर आपका हेयर प्रॉब्लम नहीं है गाइस तो फिर भी आपका कुछ हेयर टूटा ही है, और टूटता मतलब आपको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो हेयर रीयूनिट में हो रहा है, मतलब एक हेयर गिर जाएगा और नया हेयर उसमें आएगा। तो उस प्रॉब्लम में क्या दिखा जा रहा है, उसके साथ साथ जो आपका डैमेज हेयर है जब आप इस ऑयल को अप्लाई कर रहे हो, इतना चिपचिपा है जो हेयर का आपका स्कैल्प एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम किया है आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको इसे 30 मिनट तक आपका हेयर पे अप्लाई करके रखना है, उसके बाद इसे शैम्पू से वॉश कर लेना है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप इसे सोने से पहले अप्लाई करें और मॉर्निंग टाइम या आफ्टरनून टाइम में आपको हेयर को वॉश कर लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम किया है कि चिपचिपा पैन है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं रखना है, शॉर्ट टाइम के लिए आपको धो लेना है, इससे आपका हेयर पे काम करे या ना करे। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को आप जब अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हेयर निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं इसका प्रोडक्ट का गलती है, प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, आपके जितने भी डैमेज हेयर है एक साथ निकल रहा है, उसके बाद उसको एब्जॉर्बमेंट में रह रहा है। क्योंकि आप गाइस एक चीज समझ लो, हेयर ऑयल का काम क्या होता है, काफी लोग ऐसे गलतियां करते हैं, हेयर को अप्लाई तो करते हैं, सिर्फ हेयर पे अप्लाई करते हैं, स्कैल्प में नहीं। आपको हेयर अप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, ताकि आप जैसे कि कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करके आपके फेस को मॉइस्चराइज कर रहे हो, वैसे ही आपको ऑयल से आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइजर रखना है। आप जितने अच्छी तरीके से आपका स्कैल्प का ख्याल रखोगे और अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखोगे, हाइड्रेट रखोगे, उससे आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प रहेगा। और ये डेफिनेटली अच्छी बात है और सही बात है, ये हेयर ग्रोथ में काफी अच्छा वर्क करेगा। लेकिन हेयर फॉल की प्रॉब्लम वो काफी सारा रीजन होता है, फैमिली की प्रॉब्लम होता है, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। आप ज्यादा डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो, या आप अच्छी तरीके से नींद ले रहे हो, या आपका डाइट कंट्रोल कैसा है, आप खाना पीना कैसे खा रहे हो, काफी सारा रीजन होता है, या आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, काफी सारा प्रॉब्लम है गाइज। आप प्लीज ऐसी गलती ना क्या करो कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, या काफी लोगों को ऐसे भी मतलब गलतफहमी हो जाती है, उनका हेयर नॉर्मली गिरता है यार, हर किसी का हेयर गिरता है,
मेरा भी गिरता है, वो नॉर्मली गिरता है ताकि वो रिप्लेसमेंट हो सके, एक हेयर गिर के दूसरा हेयर उठ सके। तो उन लोग ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है, अरे यार मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है, मैं अभी टकला हो जाऊंगा, गंजा हो जाऊंगा, और वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो उनका जो हेयर फॉल है वो और ज्यादा होता है। ऐसी गलतियां ना किया करो गाइस, ऐसे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आपको एक चीज पता करना है, अगर आपको सच में हेयर फॉल हो रहा है तो आपको दिख ही जाएगा, आपका तकिया में या आप जहाँ पे सो रहे हो वहाँ पे दिख ही जाएगा, और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आपका हेयर, तब आप आइडेंटिफाई करो कि यार मेरा ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है और किसी लिए हो रहा है। आप ज्यादातर दिखोगे जो शादीशुदा मेन है या वुमेन है उनका बहुत ज्यादा हेयर गिरता है, उनका काफी सारा रीजन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की भी वजह से भी होता है और काफी सारा और रीजन भी होता है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, वो बहुत सारा रीजन होता है उनके वजह से हेयर फॉल होते हैं। लेकिन आपको अगर आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम कर दिया ये हेयर फॉल शैम्पू है, ये हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल है, ये बहुत प्राइस है 1000-2000, तो आप सोच रहे हो यार मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और काफी सारा डर्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर भी ऐसा करता है, पेशेंट को पकड़ के रखने के लिए उनको प्रोडक्ट देते ही रहते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बस मिडिल क्लास फैमिली वाले या जो जिनका पैसे की प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है, और वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और पैसे तो इन्वेस्ट करते ही है। तो ऐसे मैं डर्मोलॉजिस्ट वाले को भी रिकमेंड करना चाहूंगा, यार आप ऐसे गलतियां ना किया करो प्लीज, लोग आपके पास बहुत ज्यादा उम्मीद में आते हैं तो उनका यूज आप मत किया करो। तो गाइज वो तो साइट की बात है, वो मेरा पर्सनल बात है, लेकिन आप अगर इस ऑयल को ले रहे हो, काफी अच्छा ऑयल है, पूरी तरीके से नेचुरल है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि नॉन स्टिक ही नहीं है, ये इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो नेचुरल हो या कॉस्मेटिक्स कैटेगरी का, कुछ तो नेगेटिव पॉइंट उस प्रोडक्ट का होता है। तो इस प्रोडक्ट का काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है क्योंकि ये नॉन स्टिक ही नहीं है, चिपचिपापन के साथ आती है, तो ज्यादा अमाउंट पे अप्लाई होता है और शायद आपको लॉन्ग टर्म यूजेस में प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं खुद इसे मैक्सिमम 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा खाली हो चुका है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो ऑयल यूज किया था वो उतना इन्वेस्ट नहीं होता था और मैक्सिमम 5 मंथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है और आप अगर एक अच्छे हेयर ऑयल की तरफ देख रहे हो जो पूरी तरीके से नेचुरल हो, हाँ अगर आप ये डेली रेगुलर में यूज लोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऑयल का एक रूल्स होता है, आप ज्यादा इसे यूजेस मत लो, आप इसे वीक में ज्यादा यूज करना चाहते हो तो 3 टाइम यूज करो, और अगर नॉर्मल यूज लेना चाहते हो तो 2 टाइम वीक में ऑयली हेयर को करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो अभी से ऐड कर दो ताकि लॉन्ग टर्म आपका हेयर अच्छा रह जाए और आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आप गंजा हो जाओ। तो आप टेंशन मत लो, ये काफी अच्छा हेयर ऑयल है गाइस, बायोटिक की तरफ से मैं बायोटिक को थम्स अप देता हूँ, क्योंकि मैं बायोटिक का काफी सारा प्रोडक्ट फास्ट में यूज कर चुका हूँ, कुछ प्रोडक्ट इनका बहुत अच्छा रहता है और कुछ प्रोडक्ट इनका होता है, और कभी भी मैं प्रोडक्ट के बारे में झूठ बात नहीं कहता हूँ गाइस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, ये प्रोडक्ट मैं पैसे से खरीदता हूँ उसके बाद ही एक्सपीरियंस लेके आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना ले सको। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, सच में हेयर फॉल में भी कंट्रोल करता है, और अगर आप हेयर को रीग्रोथ के बारे में बता रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है और आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। अगर मैं इस प्राइस रेंज में कैटेगरी में बताऊं तो एक चीज बता दूं, ये बेस्ट ऑयल है मेरी तरफ से, मेरे को लगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को चिपचिपापन पसंद नहीं है, वही इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो गाइस आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप एक अच्छे ऑयल की तरफ देख रहे हो जो केमिकल फ्री हो और कॉस्मेटिक्स कैटेगरी का फ्री हो, 100% आयुर्वेद हो और डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड भी हो, और ये डर्मोलॉजिस्ट भी इसे रेकमेंड करता है। सो गाइस यही था इसका छोटा सा रिव्यू, कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Okay, so guys, I hope you guys enjoy this video. If you guys did, make sure subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Thank you.